अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे खारजों को गिरफ्तार करने के बारे में। आज जुमे के दिन 16 अक्टूबर को नॉर्थल शर्किया में कुछ खारजों को गिरफ्तार किया गया जो स्प्रिंग कमेटी के रूल्स की वॉलेशन कर रहे थे और इलीगल गैदरिंग, आपको पता है कि गैदरिंग जो है उसके ऊपर बड़ी सख्ती से पाबंदी है। तो आज नॉर्थल शर्किया में कुछ एक्सपैट्स को, खारजों को गिरफ्तार किया गया। अब उनके नाम, उनकी तस्वीर जो हैं वो, और उनको क्या जुर्माना किया जाता है, जेल में सजा होती है, डिपोर्ट किया जाता है, तो इस हवाले से अगले 2-3 दिन में उनकी रिपोर्ट आएगी। उनका जो केस है वो कोर्ट में पेश कर दिया गया है प्रोसिक्यूशन के लिए। जैसे ही वो कंप्लीट होगी, अदालत जो सज़ा सुनाएगी, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था 14 के बाद, यानी 14 से ऑनवर्ड, जुर्माने जो हैं वो भी ज़्यादा हैं। 1000 रियाल जुर्माना है, 6 महीने की जेल है और डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो देखते हैं उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। और हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि अपना ख्याल रखें और रूल्स को फॉलो करें। रूल्स फॉलो करने के लिए होते हैं, ना कि ब्रेक करने के लिए, ना ही हमारी इंटरटेनमेंट के लिए। सो हमेशा रूल्स को फॉलो करें, उसके अगेंस्ट मत जाएं। आप कहीं पर भी हों, सिर्फ ओमान में नहीं, आप अपने ममालिक में भी जो है रूल्स को फॉलो करें। और अगर आप वाकयातन ही रूल्स को फॉलो करेंगे, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि शायद हम तंग हो रहे हैं इनको फॉलो करते हो, लेकिन एक सर्टन पीरियड के बाद यू विल फील वेरी गुड। वेरी गुड क्यों फील करेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके हक में होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमारी सोच क्या है कि हली वली क्या होना है, वो भी कर रहा है मैं भी करूं। नहीं भाई, आपने अपना देखना है। उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, हम लोगों ने अपनी कब्र में जाना है। तो किसी को फॉलो मत करें। और एक और बात, खैर वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह खैर किसी दिन आपके साथ ये जज्बात के मतलब भी बात करेंगे कि हम क्यों इस तरह के काम करते हैं। तू कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, मैंने किया तू भी कर, तू कर रहा है मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह खैर अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कुछ दोस्त अब मिल के। अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा और हमेशा जो है रूल्स को फॉलो करें। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।